हे गाइस, क्या हाल चाल। इस वीडियो पर आपके साथ रियलमी ओप्पो वन प्लस डिवाइस के लिए एक नया कस्टम फिंगरप्रिंट एनिमेशन शेयर करूंगा। और इसके लिए ना तो आपका फोन रूटेड होना पड़ेगा और ना ही आपको कोई थीम अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब बहुत ही इजी टू इंस्टॉल होगा और सभी रियलमी ओप्पो वन प्लस डिवाइस के अंदर काम करेगा, जिस पर भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। जो फिंगरप्रिंट है दोस्तों, बेसिकली ये एक एनिमी थीम का फिंगरप्रिंट एनिमेशन है। कुछ दिन पहले हमने एनिमी के दो अलग अलग थीम शेयर किया आपके साथ। उनमें से एक थीम था किकुइंग यांगशेन। तो ये जो किकुइंग यांगशेन थीम दोस्तों, इस थीम का ही फिंगरप्रिंट एनिमेशन ये है। अगर आप एक एनिमे लवर हो तो इस दोनों थीम को भी आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगा। बट आज की इस वीडियो का टॉपिक यानी हमारे फिंगरप्रिंट एनिमेशन की बात करूं तो ये जो एपीके है दोस्तों, ये एंड्रॉइड 14, 13, 12, 11 सब पर काम करेगा। बस ये मेक श्योर करना है आपके डिवाइस के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए। देन आपको ये जो फिंगरप्रिंट एपीके है, इस ऐप को डाउनलोड करना है। कहां से करना है? सिंपली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो या फिर कमेंट चेक करो, मैं उधर डाल दूंगा। डाउनलोड करने के बाद आपको जो कि इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने एक बार ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए इधर अपडेट लिखाया था। तो ऐप इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों, आपको चले जाना है फोन के सेटिंग पर, उसके बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल, देन फिंगरप्रिंट एनिमेशन। और आप लोग देख पाओगे इधर एक नया फिंगरप्रिंट ऐड हो गया है। एपीके इंस्टॉल करने से पहले ये जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन था वो नहीं था, लेकिन जैसे ही आप ये वाला एपीके इंस्टॉल कर लिया, आपका जो सिस्टम है उसके अंदर ये फिंगरप्रिंट एनिमेशन ऐड हो जाएगा। तो आपको इधर से ये जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन है किकुइंग, इसको सिलेक्ट करना है और ये सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप अभी देख सकते हो। यह था इसका छोटा सा एक वीडियो। नीचे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको कैसा लगा। और इसी टाइप के वीडियोस भाई अगर आपको फ्यूचर में चाहिए तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि हम इस टाइप के यूनिक्स वीडियो डालते रहते हैं। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।